हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। सो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप इंटरनेट स्पीड को कैसे इंक्रीज करोगे, अपने इंटरनेट स्पीड को कैसे बढ़ाओगे, नया एपीएन कैसे करो डालोगे। ठीक है, तो सारा कुछ बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और इसमें ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, तभी मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। इसके साथ वीडियो में एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है, उसके बाद आपको नया एपीएन बनाने के लिए क्या करना होगा, सिम कार्ड एंड सेलुलर, जो कि आपके फ़ोन में हो सकता है, सिम कार्ड मैनेजर का ऑप्शन हो सकता है या फिर सिर्फ सिम कार्ड का ऑप्शन ही हो सकता है। तो यहाँ पर सिम कार्ड एंड सेलुलर मेरे फ़ोन में दिया हुआ है तो मैं इसमें क्लिक किया। उसके बाद अपना जियो सिम चूज़ कर ले। अगर आपके दो सिम है तो पहला, अगर पहले सिम में जियो सिम है तो पहला सिम को मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले में जियो सिम लगा रखा है। उसके बाद उस पर क्लिक करने के बाद आपको इस ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, तो इसमें एक्सेस पॉइंट नेम, जो कि थोड़ा नीचे कीजिएगा तो लिखा हुआ रहेगा, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है APN, तो इसमें आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आता है ये पूरा, तो एक्सेस पॉइंट नेम में जब क्लिक कीजिएगा तो सबसे नीचे जाना है और ये रिसेट कर देना है। और ठीक है, उसके बाद ये देखिए मेरा रिस्टोरिंग हो गया है। और यहाँ पर आपको ऊपर में मिल जाता है प्लस का आइकॉन, इस प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसको आपको पूरा फिलअप करना है। तो फिलअप करने के लिए आपको मैं बताऊंगा कैसे इसको फिलअप करना है। ठीक है, तो चलिए आज हम इसे फिलअप कर लेते हैं पूरा। तो देखिए, पहले तो यहाँ पर नाम है, तो नेम में आपको यहाँ पर लिखना है स्पीड, जो कि एस कैपिटल होगा, एस बड़ा होगा, स्पीड। उसके बाद एक स्पेस देके ट्यूब, TUBE ट्यूब। उसके बाद एक स्पेस देके नाइट, जो कि एस कैपिटल होगा, टी कैपिटल होगा और एन कैपिटल होगा। आप देखते रहिए मेरी वीडियो को, सारा कुछ समझ जाओगे। उसके बाद आता है APN, APN में आपको लिखना है जियो, जो कि जे कैपिटल होगा। उसके बाद लिखना है आई, जो कि कैपिटल होगा, जियो इंटरनेट, जी हाँ जियो इंटरनेट, INTERNET इंटरनेट, तो जियो इंटरनेट लिख देना है। ठीक है, सटा के। उसके बाद आता है प्रोक्सी, प्रोक्सी को नोट सेट रहने दें। उसके बाद आता है पोर्ट, पोर्ट को भी आपको नोट सेट रहने देना है। उसके बाद आता है यूजर नेम, यूजर नेम में आपको लिखना है यहाँ पर बॉट, जो कि बी कैप छोटा होगा, स्मॉल होगा। उसके बाद लिखना है डॉट वी थ्री और एक्स, ये सारा स्मॉल होगा, बॉट डॉट वी थ्री एक्स। उसके बाद कर देना है इसको भी सेव। उसके बाद आता है पासकोड, पासकोड में आपको नॉट सेट रहने देना है। उसके बाद आता है सर्वर, सर्वर में आपको लिखना है www.jio.com। उसके बाद इसको भी कर देना है सेव। उसके बाद आता है MMSC, उस MMS प्रोक्सी, MMS पोर्ट, तो ये तीनों को आपको नोट सेट रहने देना है। उसके बाद आता है MCC और MNC, ये दोनों आपका एरिया कोड है तो इसको छेड़छाड़ ना करें, इससे आपका जो इंटरनेट स्पीड है वो और भी धीरे हो जाएगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिएगा, भाई ये कैसा सेटिंग बताया, नेट स्लो हो गया, तो ये आप मत कीजिएगा। उसके बाद आता है ऑथेंटिकेशन टाइप, इसको आपको लिखना है, इसमें आपको नोट सेट की जगह करना है, इसको क्लिक करना है और यहाँ पर कर देना है आपको पेपर चैप, जी हाँ यहाँ पर सबसे नीचे वाले में पेपर चैप कर देना है। उसके बाद आता है APN टाइप, इसको भी नोट सेट रहने दें। उसके बाद आता है APN प्रोटोकॉल, इसमें क्लिक करने के बाद आपको IPv6 कर देना है, IPv6। उसके बाद आता है APN रोमिंग प्रोटोकॉल, इसको भी IPv6 करना है। उसके बाद आता है बेयरर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग होता है APN का, तो इसमें आपको लिखना करना है अनस्पेसिफाइड को अनक्लिक और LTE, HSPAP और HSPA, ये तीनों को क्लिक करना है। अगर इतने सारे सपोर्ट नहीं करते हैं तो सिर्फ LTE पर क्लिक करके छोड़ दीजिए, वरना अनस्पेसिफाइड को ही क्लिक करके छोड़ दीजिए। सो उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है MVNO टाइप, उसको नन रहने दीजिए। उसके बाद ऊपर में जाके सेव कर दीजिए, या फिर हो सकता है कि आपके फ़ोन में मोर का ऑप्शन होगा नीचे, उसमें आप सेव कर दीजिए। सबके फ़ोन में अलग फंक्शन होता है तो आप कर लीजिएगा अपना। उसके बाद आपको सेव करना है, उसके बाद यहाँ पर आके स्पीड ट्यूब नाइट पर क्लिक कर दीजिए, आपका इंटरनेट स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ आज का जो वीडियो था वो आपको अच्छा लगा होगा, तो कमेंट जरूर कीजिएगा।